नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सोनाली फोगाट जी के साथ और इनसे बात करेंगे इलाहाबाद चुनाव को लेकर और पिछले दिनों आदमपुर में जैसे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है उस पर विस्तार से बात करेंगे। मैडम स्वागत है पहले तो आरएसएन में। धन्यवाद आपका। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी के आपके इलाके में जैसे कुलदीप बिश्नोई जी ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, आपको क्या लगता है किस उसको लेकर अब तक नहीं किया, अब उन्होंने जैसे प्रतिमा की वो की है? देखिए, अच्छी बात है। चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कई हरियाणा के लिए विकास कार्य किए, खासकर आदमपुर के लिए बहुत अच्छे काम उन्होंने किए, और अगर उनकी मूर्ति की स्थापना वहाँ हुई है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है जैसे जो चौधरी भजनलाल जी ने हरियाणा के लिए और आदमपुर के लिए जो विकास किए, जिन्हें उनके सपने थे, उसको चौधरी कुलदीप बिश्नोई कितना पूरा कर पाए? देखिए, वो तो जनता आपको बता देगी कि वो कितना पूरा कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। जैसा काम चौधरी भजनलाल जी ने किया, वो तो मुझे नहीं लगता कभी भी कुलदीप जी कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना समय नहीं देते हैं अपने लोगों को। और राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े रहने से, लोगों के बीच रहने से ही तभी कामकाज हो पाते हैं। वो समय ही नहीं देते तो कैसे पॉसिबल होगा। भजनलाल जी ने पूरा समय दिया, वो पूरा टाइम अपने लोगों के बीच रहते थे। और ज़रूरी नहीं कि जो पिता ने किया वो बेटा भी करे। और हर कोई, किसी की अलग अलग सोच होती है, अलग काम करने का तरीका होता है। तो भजनलाल जी की तरह तो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि कुलदीप जी उनके जैसा कभी भी बन पाएंगे। उनके बेटे ज़रूर हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन आदमपुर की जनता के लिए कुछ खास नहीं वो कर पाए। जैसे आदमपुर से आपने चुनाव भी लड़ी हैं, अब पिछले दिनों बरसात हुई तो वहाँ पे 4-4 फुट पानी, आप गई भी थी, स्वयं भी गई थी जायजा लेने के लिए, तो भविष्य में पानी की निकासी हो और लोगों को तकलीफ ना हो, मंडियों में जो अनाज है वो ख़राब ना हो, उसके लिए किस तरह के प्रयास हैं आपके? देखिए, ये शुरू दिन से हम देखते आ रहे हैं, 2 साल हो गए चुनाव लड़े हुए मुझे, तो 2 बरसातें आके चली गई हैं, तो उसमें मैंने पानी भरा हुआ ही देखा है। और हमारा प्रयास निरंतर जारी है। और मैं कुलदीप जी से ही पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी बार विधायक रह ली, आज तक प्रयास क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार भी रह ली जिसमें वो रहे, तब क्यों नहीं प्रयास किया? आदमपुर में पानी भरता ही है, सालों से भर रहा है। भजनलाल जी ने जो सीवरेज व्यवस्था की थी उसको ठीक ठाक नहीं करवाया गई है कभी, 40 साल से जैसे कि तैसे हैं, और उनके किए हुए कार्यों को ठीक से व्यवस्थित तरीके से नहीं किया बाद में, इसलिए ये अनबैलेंस हुई चीज़ें और पानी भरता है। अगर कुलदीप बिश्नोई जी अपनी जनता का ध्यान रखते तो वो ज़रूर इस काम को कर सकते थे। और जब विधायक निधि का पैसा जब आता है तो वो उनको वहाँ पे लगवाना चाहिए था, ताकि वहाँ की जनता को इस गंदे पानी से निजात मिलती और जो पानी इकट्ठा होता है। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि सबसे पहला इस पे ध्यान दिया जाए, तो जो भी चीज़ें पानी की निकासी को लेके करनी थी वो हमने की। एक जो सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो तैयार किया जा रहा है प्लान, उसमें बजट मेरे ख्याल से 80-90 करोड़ का है, और अधिकारी उसको बनाने तैयार करने में लगे हुए हैं, ये लंबा प्रोसेस है, तो इसको तैयारी हो चुकी है। और मैं मुख्यमंत्री जी से जब मिल के आई थी तो इसी बारे में चर्चा भी हुई थी, और जल्द ही ये इसके काम का पैसा भी आएगा और शुरू भी हो जाएगा पानी की निकासी के लिए। और हमने चाहे पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड के हो, तो उसमें हमने मार्केटिंग बोर्ड के सेक्रेटरी से भी मिले थे, और पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन और एसडीओ से भी मिले थे। तो उसमें जैसे ही पानी भरता है तो तुरंत हम लोग जाते भी हैं, हमारे कार्यकर्ता और हमारी टीम भी जाती है, और वहाँ पे जो भी है पानी की निकासी की व्यवस्था जो होती है, वहाँ पे कितनी मोटर लगानी है, कैसे पानी निकलेगा। लेकिन इस बार जो ये लास्ट की बरसात हुई, इसमें पानी बहुत ज़्यादा हुआ था, पूरे हरियाणा भर में हमेशा से ज़्यादा बरसात हुई, तो किसानों ने भी कह दिया था कि पानी हमारे खेतों में हम नहीं छोड़ने देंगे, तो ये दिक्कत बहुत आई थी। और अधिकारी लगे हुए थे, लेकिन किसानों के खेतों में भी ज़्यादा पानी भर गया था, इसलिए उन्होंने रोक दिया था, किशनगढ़ में जाता था पानी, वो रोक दिया था। तो उसका परमानेंट इलाज हम लोग खोज रहे हैं, जैसे कि मंडी में सेक्रेटरी द्वारा काम किया गया,
वहाँ पे ऊंचा जो चार गेट थे, चार छः गेट है मेरे ख्याल से, वो गेटों को थोड़ा थोड़ा ऊपर से चिनाई करवाई गई और अंदर बोरिंग करवा के कि पानी अंदर का अंदर रह जाए और बाहर का बाहर चला जाए, तो वो व्यवस्था भी की थी। तो हम बार बार, मैं हर हफ्ते जाती हूँ आदमपुर, और ये चीज़ें हमें देखती भी हूँ, जहाँ अधिकारी काम नहीं करते वहाँ मौके पे भी जाती हूँ और उनसे बात भी करते हैं, उनसे आग्रह करके हम उनसे मदद लेते हैं लोगों के मतलब असुविधा ना हो। तो ये चीज़ें हम बराबर कर ही रहे हैं, आप देखते भी होंगे मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मैं फोटोग्राफ्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। जी दर्शकों, जितने भी जुड़े हैं आप लोग इसको शेयर करें, और आदमपुर की खास तौर से हम बात करें, आदमपुर के इलाके में कोई आपको विकास नहीं, खामी आपको लगता है कोई कमी है, पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, गांव की सफाई की समस्या है, जो भी आपको समस्या है इसमें फोटो के साथ इस कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम सोनाली फोगाट जी से फिर दोबारा मिलकर उनको ये समस्याएं भी रखेंगे, और इनसे जैसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मैं मिली हूं और वहां के विकास के लिए मैं बार बार मुख्यमंत्री से आग्रह भी करती रहती है, आने वाले समय में विकास भी दिखेगा। जैसे कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर तो आपने आरोप लगा दिया कि उन्होंने ग्रांट आता है वो भी नहीं लगाते, तो आप बिना जीते हुए वहाँ से आप हार गई हैं, सरकार आपकी है, पावर कुलदीप जी के बराबर की आपकी भी है, आप वहाँ के विकास के लिए किस तरह से निरंतर आपके प्रयास रहेंगे? देखिए, मैं वही तो बता रही हूँ, जो 80-90 करोड़ का जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है पानी की निकासी के लिए, वो हम लोगों का ही प्रयास है, कुलदीप जी ने तो नहीं किया। कुलदीप जी आग्रह कर लेते, मुख्यमंत्री मेरे अकेले का थोड़ी ना है, उनका भी तो है मुख्यमंत्री, वो विधायक हैं, वो आग्रह करते, विधानसभा स्तर के दौरान जाते, वो जाते ही नहीं है, सेशन के दौरान कभी जाते नहीं, उनकी गैरहाजिरियाँ हैं, तो वो कभी भी टाइम पे काम नहीं करके देते। वैसे मतलब मैं कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ये सच्चाई है, वो वैसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब लोग मुझे कहते हैं कि मैं एक्टिंग करती हूँ, क्या काम कर रही हूँ, तो मेरा, मैं तो प्रूफ के साथ कहती हूँ मैं एक्टिंग भी करती हूँ और फील्ड में गांव में जाके काम भी करती हूँ, अधिकारियों से भी मिलती हूँ। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी ऐसे हैं कि बस एसी रूम में बैठने के लिए ही बने हैं, उनके पिता बहुत सारी दौलत उनके लिए छोड़ के गए हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनको मुझे लगता है कि गाँव में जाना, लोगों के बीच जाना, काम करवाना, वो उनकी हैबिट में ही नहीं आता, वो कर ही नहीं सकते, वो मेरे ख्याल से ऊपर से लिखवा के लाए, अपना ऐशो आराम से रहना, और उनका सिर्फ ये है कि मुझे विधायक बनना है या मुझे मुख्यमंत्री बनना है, उस वजह से वो राजनीति में है, बाकी वो इन कामों के लिए है ही नहीं। जैसे कल वो जो प्रोग्राम था, प्रतिमा का अनावरण था, उस समय वहाँ पे काफ़ी लोग थे, क्या लगता है कहाँ के लोग थे वो? बहुत अच्छी बात है, लोग होने भी चाहिए, चौधरी भजनलाल जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, उनसे जुड़े हुए लोग थे वो, उनसे कुलदीप बिश्नोई जी के सपोर्ट में नहीं थे, कुलदीप बिश्नोई जी कोई किसी को काम करके दे तो उनके सपोर्ट में लोग आए ना, अब पूरे हरियाणा भर से जो चौधरी भजनलाल जी के साथ जुड़े हुए लोग थे, बिश्नोई समाज के लोग जिसे दूसरे राज्यों से भी आए हुए थे, तो वो एक बिश्नोई समाज का और चौधरी भजनलाल जी के कार्यों की वजह से वो लोग इकट्ठा हुए थे, उनकी मूर्ति का अनावरण था ना, इसीलिए आए थे वो लोग, उनको सम्मान देने के लिए। अगर मैं भी वहाँ होती आदमपुर तो मैं भी ज़रूर जाती, उनकी प्रतिमा पे फूल चढ़ा के आती, क्योंकि हमारे लिए हमारे मुख्यमंत्री रहे, सम्माननीय है, और हमारे परिवार भी पीछे जलाल जी से जुड़े रहे हैं, तो हम कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई जो मुख्यमंत्री रहे और उनका बेटा मेरे सामने चुनाव लड़ लिया तो मैं क्या उनका सम्मान नहीं करूँगी, तो हर व्यक्ति करता है। तो आदमपुर के जो समस्या उसके लिए निरंतर आपके रूटीन में आप कितने हफ्ते में, आपने कहा कि क्या आने वाले समय में ज़्यादा बार भी आप जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हर हफ्ते तो मैं आम लोगों की जैसे समस्याओं का समाधान करवाने हेतु हम लोग सभी कार्यकर्ताओं की हमारी टीम और हम लोग जाते हैं, PWD रेस्ट हाउस से हम जाते हैं, और रेस्ट हाउस जब जाते हैं तो अधिकारी तो पहले भाग जाते हैं आपको देखकर, वो कि सोनाली जी आने वाले हैं वैसे डर जाते हैं आपसे कि वैसे निकल जाते हैं? ना ना, ऐसा नहीं है, बड़ा कोऑपरेट करते हैं आदमपुर के सभी अधिकारी, बहुत कोऑपरेट करते हैं, तभी जनता की समस्याओं का हल होता है, इतनी भीड़ लगती है, इस बार आप आइएगा, मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। तो पिछले दिनों की घटनाओं को लेकर अधिकारी भी कभी समय तो नहीं गए कि हाँ सोनाली जी आएंगे और काम नहीं करेंगे, तो भी वो होगा, कार्रवाई होगी और काम करने के लिए कुर्सी पर तैनात रहे कि हम वो आएंगे तो हमें मिले, इस तरह का प्रभाव पड़ा है पहले की जो जो पिछली घटनाओं को लेकर अधिकारियों में? देखिए, अधिकारियों के साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से सुनवाई करते हैं, काम भी करते हैं, जो जायज़ काम होते हैं सारे करते हैं, देखो नाजायज़ काम तो हम कहते भी नहीं है। तो सोनाली जी में कितना बदलाव आया है पहले की भांति अभी? मैं तो वैसी ही हूँ जैसे पहले थी, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव देखिए, नेचर इंसान का कभी नहीं बदलता, वो जैसा है वैसा रहेगा, आज भी जैसी हूँ वैसी ही पहले थी। तो सच्चाई को आप ज़्यादा वो करती हैं या झूठ को? देखिए, मैं तो हमेशा
कभी झूठ बोला ही नहीं मैंने जीवन में, सच्चाई पे चलती हूँ, इसीलिए तो लोग मुझे कह देते हैं भाई ये कुछ भी बोल देती है, जो सच होता है वो बोलती है। कभी इसमें एक्टिंग का प्रभाव भी पड़ा है राजनीति में? कभी कोई डायलॉग बोलना होता है जो कि एक्टिंग करती हैं आप फिल्मों में हैं उस तरह का, मतलब कुछ उसी एक्शन में कभी आप लोग ना आपका रूप दिखाई देता है जैसे कि कहीं काम कराने के लिए जाती हैं तब भी? नहीं नहीं एक्टिंग का क्या प्रभाव होगा उसमें, नेचर का प्रभाव होता है, आपका जैसा व्यक्तित्व है, आप जैसे अंदर से हैं, वो उसका प्रभाव दिखता है। तो आदमपुर जैसे कि वहाँ की बात हमने की, सिरसा की हम बात करते हैं, अलनाबाद की उपचुनाव के लिए जैसे कैंडिडेट की आप लोगों ने, जैसे सांझे प्रत्याशी भी आप लोगों ने घोषणा आज होगी है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का अलायंस की जो पार्टी के उम्मीदवार होंगे वहाँ क्या रहने वाला नतीजा? देखिए हम तो हमेशा से यही देखते आए हैं कि भाजपा का जो संगठन है बड़ा ताकतवर संगठन है, बड़े सुलझे हुए लोग हैं भाजपा में और बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो वहाँ पे भी पूरे हमारा संगठन लगेगा और हमारा जो भी उम्मीदवार है उसको हम जितवा के लेके आएंगे। जैसे एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है उसी के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, तो आपको लगता नहीं है कि किसान अभय सिंह के साथ आएंगे? देखिए जो भी व्यक्ति जिस संगठन से जुड़ा है या जिन लोगों के साथ है वो तो उसका साथ देंगे ही और देना भी चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि जो व्यक्ति जिसके जिन जिन चीज़ के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उन लोगों को बिल्कुल देना चाहिए। फिर वहाँ से तो अभय सिंह चौटाला सीट निकालेंगे आपके हिसाब से? तो देखिए भाजपा के संगठन भी कोई छोटा संगठन नहीं है, आप क्या मानते हैं भाजपा के संगठन को, दुनिया के सबसे बड़ा संगठन है भाजपा का संगठन। तो क्या मुकाबला रहने वाला है, क्या किस तरह के वो रहने वाले हैं फिर, कि जैसे भाजपा और जेजेपी एक हो गया, वहाँ से इनेलो है, कांग्रेस के भी आएंगे? देखिए जब भी चुनाव होता है तो हर तरह की पार्टियाँ, हर तरह के लोग जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति है अपने अपने ताकत तो दिखाते ही, तो देखते हैं। उम्मीद कितनी है आपको? पूरी उम्मीद है 100%। तो किसान के आंदोलन पे हम बात करते हैं, बहुत लंबा समय हो गया है अभी तक ना कोई नतीजा नहीं निकला, अलग अलग तरह के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, क्या लगता है कब तक इसका निपटारा होगा? देखिए ये जो आंदोलन है वो सही मायने में किसान का आंदोलन रहा ही नहीं, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और जो लोग चाहते ही नहीं कि देश के हालात सुधरें या देश अच्छे रास्ते की तरफ चले, ये जो आंदोलन की वजह से हमारा सारा सिस्टम ही ख़राब किया जा रहा है खासकर हरियाणा का, तो बाहरी लोग हैं, ये बाहरी लोग शुरू दिन से ही चाह रहे हैं किसानों को गुमराह किया, लेकिन ज़्यादातर किसान बात समझ गया है और किसान इनके साथ है नहीं अभी, तो मुझे लगता है कि सरकार भी अब कड़ा रुख अपनाने वाली है और इनको ठीक से मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बैलेंस करने वाली है। लखीमपुर की जैसे यूपी की हम घटना की बात करते हैं, वहाँ पे जैसे मौतें हुई हैं, किसान भी और भी लोग वहाँ मारे गए उस घटना में, आप क्या समझते हैं उस घटना को सरकार को किस तरह से लेना चाहिए? देखिए ये जो लोग हैं आंदोलन करने वाले लोग हैं उनमें से जो आंदोलन को भड़काऊ और बुरे तरीके से पेश कर रहे हैं वो लोगों ने जैसे उन पे उनकी गाड़ी पे हमला किया, जो भी चाहे भाजपा के लोग थे या जो ड्राइवर था उस पर हमला किया, शीशे तोड़े गए, पत्थर मारे गए उसके ड्राइवर के आंख पे और वहाँ पे जो पत्थर लगा तो गाड़ी अनबैलेंस हुई और उसमें से गाड़ी अनबैलेंस होगी तो एक्सीडेंट होगा ही और चोटें भी लगेंगी और उससे डेथ हुई है 4 लोगों की। उसके बाद वो तो चलिए हादसा था लेकिन हादसे के बाद उन लोगों ने जानबूझकर हत्याएं की हैं, 4 हत्याएं जानबूझ के किया, वो अपराध कितना बड़ा अपराध होता है, तो ये लोग तो बिल्कुल ही मतलब मुगलों की तरह पेश आ रही है, जैसे वो लोग करते थे कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, टांग के बदले टांग, हाथ के बदले हाथ, तो ये तो बिल्कुल मतलब देश के कानून को कुछ समझते ही नहीं है, ये तो मतलब अगर हादसे में मौत हो गई तो मौत के बदले मौत आदमी चाह रहे हैं और ये तो मारना काटना शुरू कर दिया इन्होंने, तो सरेआम ये लोगों के कपड़े फाड़ देते हैं, सरेआम आम आदमी को गाड़ी रुकवाते और कहते उतर नीचे चल माफ़ी मांग, माफ़ी नहीं मांगता तो तेरे को मारेंगे, तेरे डंडे मारेंगे, तेरे को काट डालेंगे, मार डालेंगे, तलवारें लेके खड़े रहते हैं, लाठी डंडे लेके खड़े रहते हैं। जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहाँ गए थे, गए उनके उनको हिरासत में लिया सरकार ने, उस क्या मानते हैं, ठीक है ये? देखिए उस समय जो माहौल था ना कि ये मामला भड़के ना, देखिए हादसा जो हो गया उस हादसे को तो नहीं रोक सकते थे भाई, जो रुका नहीं, जो हादसा हो गया हो गया, उस हादसे से जो माहौल है वहाँ का वो ख़राब ना हो उसके लिए
जो सरकार है उन्होंने कहा था भी जैसे एक बार थोड़ा सा ठीक हो जाए तो उसके बाद आप सांत्वना देने के लिए ये उनके परिवारों के पास जा सकते हैं, और हुआ भी ऐसे ही, कल उनको परमिशन मिल गई, जैसे ही उनका अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद सरकार ने परमिशन दे दी और सब लोग गए हैं जी। आरएसएन एक्सप्रेस में आप देख रहे हैं सोनाली फोगाट हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आदमपुर से चुनाव लड़ी हैं। आप, मैं चाहूँगा आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम हिसार पर फोकस करते हैं, हिसार की जो घटनाएँ विधायक और किसान को लेकर घटनाएं उस पर हम इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आपको मालूम है हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और किसान के बीच रेस्ट हाउस में जो हुआ, विधायक का कुर्ता फटा, किसने फाड़ा अभी तक नहीं वो मालूम हुआ है कि किन्होंने फाड़ा, वहीं विधायक के घर को पुलिस ने छावनी बना रखा है, लोगों के आने और जाने वाले लोगों के लिए तकलीफ है, और कुछ किसान वहाँ पे बैठे हैं धरने पे। क्या समझती हैं, किन की गलती है और क्या होना चाहिए इस मसले को हल करने के लिए? देखिए, डॉक्टर कमल गुप्ता जी के बारे में जहाँ बात आती है, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, दूसरी बार हिसार से विधायक हैं और ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो वो सीधे साधे आदमी हैं बिल्कुल। भाई उनसे वो लोग क्या हासिल करना चाह रहे थे, उनको घेरना, उनके कपड़े फाड़ना कहाँ तक उचित है? मैं वही तो बता रही हूँ बार बार कि ये लोग, मैं शुरू दिन से कह रही हूँ, ये लोग इकट्ठे होते हैं, रोक लेते हैं, किसी गाड़ी रोक लेंगे, किसी आदमी को घेर लेंगे, कपड़े फाड़ देंगे। मेरे सोशल मीडिया पर आप लोग देखते हैं ना, तू आके दिखाना, तेरे कपड़े उतारेंगे, तेरे कपड़े फाड़ेंगे, तेरे को बेइज्जत करेंगे, इस तरह की भाषाएं, मतलब गंदी गालियां देना, ये करना, ये कहाँ तक उचित है? क्या ये हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कानून कहता है कि आप किसी को इस तरह से टॉर्चर कर सकते हो? और एक विधायक, मतलब जिसका सम्मान होना चाहिए, यहाँ विधानसभा हिसार के विधायक हैं, आप उनको उनको किस ऐसे कैसे कर सकते हो आप उनके साथ? जैसे सुबह हमने बातचीत की थी किसानों से, जो कि लंबे समय से किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे ज्ञान केंद्र के सामने, उन्होंने कहा कि विधायक जी ने जो कहा उसको लेकर विधायक जी को माफ़ी मांगना चाहिए। आप क्या समझती हैं? अरे आप लोग माफ़ी मांगो ना पहले, तो उनको किस बात के लिए घेरा आपने, किस बात के लिए कपड़े फाड़े? माफ़ी तो आप लोग मांगेंगे, आप लोग मांगे माफ़ी, विधायक किस बात की माफ़ी मांगे? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि आप ही गुनाह करोगे, आप ही माफ़ी मंगाओ, यही तो जोर जबरदस्ती है इन लोगों की। उपद्रव इसी को तो कह रहे हैं हम, गुंडागर्दी यही तो कह रहे हैं कि ये तो मुगलों से गए गुजरे हो गए हैं। इन्होंने तो मतलब अपने आप को यहाँ स्थापित करने कि हमारा ही राज रहेगा, लट के जोर पे रहेगा, आप कुछ नहीं, आपकी सरकार कुछ नहीं, आपका PM कुछ नहीं, आपका CM कुछ नहीं, और आपका विधायक कुछ नहीं समझते ये मतलब यही रहेंगे, ये लट के जोर पे यही करेंगे सब कुछ, ये ऐसे तो नहीं चलेगा, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो सरकार किस तरह से आगे कार्रवाई करेगी इस पर, अगर आप लोग समझते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें किसान तो हैं, लेकिन किसान के बदले कुछ और लोग भी आप लोग समझते हैं, और लोग भी है जो इस तरह की हुड़दंग हो जाती है, कभी विधायक के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, कभी जैसे डिप्टी स्पीकर गाड़ी तोड़ दी जाती है, अलग अलग तरह की घटनाएँ होती है, सामने आ रही हैं, तो इसको सरकार किस तरह से निपटने वाली है जल्दी इसमें? देखिए, मेरा बड़ा खून खोलता है जब ये लोग खुद गुनाह करके और जिस के साथ गुनाह हो उसी से माफ़ी मंगवाते हैं। अब सरकार की आप जहाँ बात करते हैं, सरकार से हम तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका इलाज किया जाए। अगर उसमें सही मायने में किसान होता तो किसान ऐसा उपद्रव भी कभी नहीं होता। किसान को अपने काम से मतलब होता है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जीता है वो, किसान ऐसा करता नहीं है। ये लोग जो उपद्रवी हैं, ये चाहते ही है माहौल ख़राब करना, और इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसे ये दूसरों के साथ करते हैं, तो इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए इसकी। ये हर किसी को हर रास्ता नहीं रोक सकते, जिस संविधान ने इनको अधिकार दिया है आंदोलन करने का, उसी संविधान ने हम लोगों को भी रास्ते पर चलने का अधिकार दिया है, हमारे काम करने का अधिकार दिया है, लेकिन ये लोग इस बात को समझते ही नहीं कि हम करें वो जायज़ है, इनको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। क्यों भाई, जो बॉर्डर पे जो बैठे हैं किसान, आपको क्या लगता है इस आंदोलन में कितने परसेंट किसान हैं? देखिए, परसेंट का तो मुझे पता नहीं, और कोई भी मतलब व्यक्ति जो अपने आप को किसान कहता है वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, तो मैं तो मानती हूँ 0% भी किसान वहाँ नहीं है इनके साथ। तो किसान की मांग को लेकर जो भी टेबल पर बैठ के जो बात होनी थी उसमें सरकार की तरफ से देरी हो रही है, आपको नहीं लगता इतना लंबा होने के बाद जो आंदोलन किस ओर जा रहा है, मतलब अलग तरह की एक तरह से आपस के टकराव की स्थिति पैदा होती जा रही है दिन पे दिन? देखिए, सरकार ने कभी मना नहीं किया इन लोगों से बात करने के लिए, इनके पास कुछ बात हो तो करें ना। इन्होंने MSP की मांग की, MSP बरकरार है और किसान स्वतंत्र है कहीं भी अपना माल खरीदने बेचने के लिए, तो गलत क्या है कानून में? और एक साल डेढ़ साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून स्थगित कर दिया है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता धरना करने का। जब सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला नहीं मानते हो तो आप तो क्या हो फिर?
चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनाल जी। नमस्कार, थैंक यू। जैसे सोनाली फोगाट जी से हमने अलग अलग मुद्दों पे विषय पे बातचीत की, आदमपुर के को लेकर, इलाहाबाद चुनाव को लेकर, किसान के मुद्दे को लेकर, और विधायक जो कमल गुप्ता जी का जो अभी विवाद चल रहा है, एक तरह से किसान बैठे हुए हैं उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए, और चारों तरफ छावनी के साथ जैसे पुलिस बल वहाँ तैनात है, तब्दील कर दिया गया छावनी को उसमें, और इलाके के लोग परेशान हैं आने जाने के लिए, जैसे प्रेमनगर में जो रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, लोगों को आना जाना, क्यों बैरिगेड लगा दिया था, आने जाने के लिए तकलीफ होगी, उसके लिए बातचीत की। आपको क्या लगा, कैसे लगे?